गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरे पहले वीडियोस जो थे और आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा गैप हो गए हैं। कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ परेशानियाँ थी, इसीलिए मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, पर आज के बाद वो कंटिन्यू होगा। आज जो मैं हमेशा मेरे अपने पहले वीडियो में बोल चुकी हूँ कि मेरे जो वीडियोस हैं वो हिंदी लिटरेचर और उड़िया लिटरेचर के ऊपर बेस है। तो आज हम पढ़ेंगे NCERT द्वारा प्रचलित कक्षा 6 की जो बसंत किताब है, बसंत जो वही है, साहित्य बुक है, उससे एक पाठ हम आज लिए हैं, वो चिड़िया जो। इसके कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। और कुछ भी करने से पहले, मतलब जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कवि परिचय जानना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, हिंदी में जो बुक में है, जो किताब में है, उसमें शब्दार्थ नहीं दिए गए हैं, तो मैं आप लोगों की सुविधा के लिए उसके थोड़े शब्दार्थ भी, जो कठिन शब्द हैं, उसका अर्थ मैं बता दे रही हूँ, जो कि आप लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगी। पहला है रस। रस जो जूस है, हिंदी में हम उसको रस कहते हैं, वो रस एक रसीली चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है चोंच। चोंच जो है, आप लोग तो इंग्लिश मीडियम जो भी पढ़ते हैं, चोंच मीन्स बीक, होट, जो होट है, और चिड़िया की होट को चोंच कहते हैं, उसको इंग्लिश में बीक कहते हैं। जुंडी। जुंडी ज्वार और गेहूं या धान के जो पतले जो शुरुआत में जो दाने आते हैं, रसीले वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के, उसे जुंडी कहते हैं। फिर आती है संतोषी। संतोषी मीन्स खुश रहना, संतोष रहना, संतोष रहने, छोटी छोटी चीज़ों में जो संतोषी संतोष हो जाते हैं, उसको संतोषी कहते हैं। अर्न मीन्स धान। फिर कंठ। कंठ मीन्स गला। फिर आती है रुचि से। रुचि से मीन्स चाव से। फिर आते हैं बूढ़े वन बाबा, पुराना घना वन। फिर रस उंडेल कर, मीठी आवाज़, उसका मतलब है। चढ़ी नदी, मतलब जल से भरी नदी या फिर उफान से भरी नदी। फिर गर्बीली। गर्बीली जो है गर्व करने वाला या गर्वी। और बीजन। बीजन मीन्स एकांत। ये कुछ शब्द हैं जो मुझे लगा कि कठिन शब्द है, इसके अर्थ मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रख दिए हैं। तो फिर आइए पहले शुरुआत करते हैं कवि परिचय से। यहाँ पे श्री कवि केदारनाथ जी अग्रवाल जो हैं वो हिंदी साहित्य के एक महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म एक अप्रैल 1911 में कमसिन गांव में हुआ था। कमसिन गांव जो कि उत्तर प्रदेश के बांधा जिले के अंतर्गत होता है, आता है। और कवि का निधन 22 जून 2000 में हुआ था। उनके माता का नाम घसीची देवी और पिता का नाम हनुमान प्रसाद गुप्ता था। पैसे से, मतलब जीविका, यहाँ पैसे मतलब जीविका से वो वकील थे। उन्होंने अपनी बीए एलएलबी की डिग्री की है। वो उनका जो जीविका था वो वकील था, पर कविता लिखने का चाव जो है उनको बचपन से था। वो ज़्यादा वकील के हिसाब से जितना परिचित नहीं है, वो कवि के हिसाब से वो उतना ही परिचित है। उनके कुछ कविताएं हैं जो हिंदी साहित्य को एक महान जगह पे रख के उसको एक मतलब हिंदी साहित्य को एक अलग ही मुकाम पे पहुंचाया है। जैसे कवि की उपलब्धियाँ, आपकी उपलब्धियों में हैं युग की गंगा, लोक और आलोक, अपूर्व, फूल नहीं रंग बोलते हैं, जैसे कई कविताएं हैं उनके। कई उनको कई सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। उनके खुद का एक फाउंडेशन है, केदारनाथ फाउंडेशन, जो हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर में अच्छे अच्छे कविता और कवि लेखकों को पुरस्कृत करता है। आज उन्हीं महान कवि के इस कविता हम पढ़ेंगे, जो है वो चिड़िया जो चोंच मार के। ये एक कविता है कक्षा 6 की। शुरू करते हैं। वो चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वो छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसका व्याख्या हम करेंगे। इसके व्याख्या करने से पहले मैं आप लोगों को इस कविता के थोड़े सारांश बता देना चाहती हूँ। कवि ने एक्चुअली यहाँ कवि अपने आप को, अपने भावनाओं को एक चिड़िया के भावनाओं के साथ जोड़ के ही दिखा रहे हैं।
कवि ने बताया कि उसके स्वभाव जो नीले पंख वाली स्वभाव है, वो पंख वाली चिड़िया जो है वो खुशी खुशी हर वन में रहती है, गाना गाती है, छोटे छोटे दाने ढूंढ ढूंढ के खाती है, पानी पीने के लिए वो नदी से अपनी प्यास बुझा लेती है। तो ये जो भावनाएं हैं कवि अपने भावनाओं को जोड़ के चिड़िया के साथ तुलना करके यहाँ ये कविता में लिखे हैं। उनका ये कहना है कि हम हर चीज़ में हर एकांत हो या फिर हम सबके साथ हो, हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, हमें हर परिस्थिति का सामना डट कर करना चाहिए साहस के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने तो एक पैराग्राफ पढ़ा है, फिर एक एक लाइन पढ़ के आपको बताती हूँ। वो चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वो चिड़िया, वो जो छोटी सी चिड़िया है, वह चिड़िया जो छोटी सी है वो चोंच मार कर, हमें पता है कि चिड़िया कैसे खाती हैं, चोंच से, अपने चोंच से खाती हैं, चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने। यहाँ झुंडी का मतलब मैंने बताया था ज्वार, गेहूँ, इस टाइप के जो सेरल से अपने जो सस्य है, खाद्य सस्य है, उससे क्या होता है कि वो जो पहले पहले जो दाने आते हैं जब वो दूध से भरे होते हैं, सफ़ेद कलर के दूध से, सॉफ्ट दूध से भरे दाने होते हैं, और उसको चिड़ियों को खाने के लिए बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जब पूरा पक जाता है उसे खा नहीं सकते, तो वो जो रसीले वाले धान जो सस्य के अंदर जो खाना दाना आता है उसको वो रुचि से, मतलब बहुत प्यार से, बहुत चाव से, रस से खा लेती है। वो छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंख वाली मैं हूँ, वही जो छोटी सी चिड़िया जो झुंडी के दाने से अपना पेट भर लेती है, वो चिड़िया मैं उसी को खा के मैं संतोष, अपने आप को संतोष पाती हूँ। संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली, और मेरा पंख जो है वो नीले हैं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, और मुझे अन्न से, धान से, चावल से बहुत प्यार है। इस काव्यांश में कवि ने बताया है कि वो जो नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया है वो छोटे छोटे चीज़ों में अपनी संतुष्टि ढूंढ लेती है, अपनी खुशी ढूंढ लेती है। हमें भी हर चीज़ में, हमें कुछ मिले या ना मिले, हमें उसमें अपनी संतोषी या फिर खुशी ढूंढ लेनी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट स्टांजा है। वो चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वो छोटी मुंह वाली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। वो चिड़िया जो छोटी सी चिड़िया है, वो नीले पंखों वाली जो छोटी चिड़िया है, कंठ जो खाना खा के खुश रहती है, और क्या करती है, जब हमारा पेट भर जाता है तो हम खुशी से रहते हैं, तो वो खाना खाने के वो खाता खाल खाना खाने के बाद वो क्या करती है, उसका काम क्या है, वो गाना भी गाती है, और वो कंठ खोल के गाती है, ऐसा नहीं कि गुनगुनाती रहे कि हम लोग डर के मारे गाती है, वो अपने मस्ती से गाती है, अपनी मर्जी से, बहुत ज़ोर से, कंठ खोल के, गला खोल के गाती है, और किसके लिए, बूढ़े वन बाबा के खातिर। वो जो जहाँ जो रहती है, वो जंगल, घना जंगल जो है, पुराना घना जंगल, उसको वो जंगल को वो बाबा समझती है, और उनके खातिर वो रस उंडेल कर गा लेती है, मतलब वो मीठी आवाज़ में, रस उंडेल का मतलब अपनी जो मीठी आवाज़ है उससे वो गाना गा लेती है कंठ खोल के, और वो अपने वन बाबा को सुनाती है। वो छोटी मुँह वाली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है, और वो कौन है, वह छोटी सी चिड़िया मैं ही हूँ, और मैं, मेरे पंख जो नीले पंख हैं, और मुझे एकांत बिजन से बहुत प्यार है। इस काव्यांश में कवि ने बताया है कि चिड़िया अपने मुक्त कंठ से गाती है, और गाना जो सुनाती है वो अपने रहने वाले, अपने परिजनों के लिए सुनाती है। अकेले में भी हमें, यहाँ हम एक सारांश भी ले सकते हैं, अकेले में भी हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे हमारे साथ कोई हो या ना हो, पर हमें खुश रहना चाहिए। बहुचिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वो छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वो चिड़िया जो चोंच मार कर, जब नदी मतलब अपना चोंच मार कर ये खाना खाई, अब तो उसे पानी भी पीना है, वो चिड़िया चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, दैट मीन्स इसका अर्थ है कि वो जो नदी जब
जंगल और में तो नदी बहती रहती है ना, नदी में जब उफान पे होती है, नदी हमेशा भर के, जब पहाड़ों से नदी निकलती है, झरना निकलती है, वो पूरा भर भर के पानी होता है। तो वहाँ क्या होती है, चढ़ी नदी, हमेशा नदी अपनी उफान पे जल भरी रहती है। उफान उसके दिल टटोल के, मतलब उसके मन को टटोल के, नदी में मन को, नदी की मन टटोल के, उसका आज्ञा लेके वो क्या करती है, जल की मोती, मोती जैसे जल जो पानी बहकी जाती है साफ सुथरा, उसको मोती वाली जल बूंद वो पी लेती है। वो छोटी गरीबी चिड़िया, और इसके लिए उसको गर्व है, क्योंकि वो उस वो साहसी है, वो इसीलिए वो गर्वित है कि मैं उड़ उड़ के भी नदी का पानी पी लेती हूँ। वो छोटी गर्वीली चिड़िया और वो गर्वित वाली चिड़िया और वो साहसी चिड़िया मैं हूँ, जिस मेरे पास नीले पंख हैं, और मैं वही नीले पंख वाली चिड़िया हूँ जो इस साहसी के काम के लिए अपने आप को गर्वित महसूस करती हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है और मुझे नदी से भी बहुत प्यार है। इस काव्यांश में कवि ये कहना चाहते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हमें अपने साहस और धैर्य के साथ हम उसका मुकाबला करेंगे, हर कठिन परिस्थिति हमारे आगे झुक जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ये तो उसका अर्थ और मैंने कविता का सारांश निकाल दिया, आपको बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है, प्रश्न उत्तर, मैं आप लोगों को बता दूंगी। अगर मेरे वीडियोस में कहीं पे भी आपको कुछ लगा कि गलत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।